सो व्हाट इज अप क्रिसो गैंग, वेलकम बैक टू अदर गेम प्ले वीडियो। सो आज की इस वाली गेम प्ले वीडियो के अंदर हम लोग खेल रहे होते हैं लिविक मैप और उतरा होता है मिडस्टेन के अंदर मेन बिल्डिंग और देख रहे हो तुम मतलब ये कैसा ग्लिच हो जाता है। तो सबसे पहले तो यार यहाँ पर ग्लिच हो गया था मेरे साथ लैंडिंग वाला, और यहाँ पर सबसे पहले तो यार गन के लिए भटकते हैं और गन के लिए भटकेंगे और तुम्हारे भाई को यहाँ पर गन नहीं मिली सबसे पहले तो घुसते यहाँ पर। और चलो मिल जाती है तुम्हारे भाई को यहाँ पर स्कार एल और MK12 और 6X भी मिल जाता है। और उसके बाद भाई हम लोग आते हैं यार यहाँ पर, और यहाँ पर सामने की तरफ बंदे उतरे होते हैं और तभी यार लेफ्ट साइड से मेरे टीममेट को बंदा नॉक कर देता है, जिस बंदे को यार मैं आराम से मार देता हूँ। मतलब ये बंदा सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल रहा होता है और जिस बंदे ने मुझे मतलब टीममेट को नॉक कर दिया था इस बंदे को आराम से मार देते हैं। अपने टीममेट को रिवाइव देता हूँ और टीममेट को रिवाइव देने के बाद सामने वाले येलो वाले घर के अंदर बंदा था, तो सबसे पहले तो मेरा ये नेड देखना और इस नेड के बाद मुझे ये चीज़ बताना कि इसमें बंदा क्यों नहीं मरता। मतलब क्या बोलूँ अब, देखो मुझे लगा था कि बंदा नॉक हो जाएगा और बिल्कुल मुंह पे मैंने नेड करा, कुछ भी नहीं हुआ उसका नेड का। तो सबसे पहले तो मैं बिना किसी देर के लेफ्ट साइड से रश करके चले जाता हूँ और तभी यार इस वाले घर के अंदर बंदा मेरे को P90 से डैमेज देता है। और तुम इस बंदे के देखना नशे, मतलब मैंने पीछे से रश कर दिया और इस बंदे को खबर ही नहीं कि मैंने रश कर चुका हूँ। और लेफ्ट वाले घर के अंदर दो बंदे थे और तभी यार इस वाले घर के अंदर एक बॉट आता जिसको मैं आराम से मार दूंगा। अब इस बॉट को मारने के बाद यहाँ सबसे पहले मैं अपना लूट वूट कर लेता हूँ थोड़ी बहुत और एमओ एमओ उठा लेता हूँ उस कारल की। अब यहाँ पर मेरे 3 किल हो गए थे और तभी यार एक और बॉट आ जाता है। अब इस बॉट को यार मैं आराम से टपकाता हूँ और इस बॉट को टपकाने के बाद तुम पीछे देखते जाना कि ये जो दो बंदे लेफ्ट साइड वाले घर में थे वो आ जाते हैं पीछे वाली ये वॉल की तरफ। और तुम देख सकते हो अब यहाँ पर मैं थोड़ी मारने की कोशिश करता हूँ लेकिन यहाँ मेरा लॉक हो जाता है एम। और यहाँ पर भाई मैंने मेरे टीममेट ने स्मोक कर दिया था, तो मैं अपने टीममेट को बोलता हूँ कि भाई मैं राइट साइड से फ्लैंक मार के रश कर देता हूँ और तू यहीं से नेड वेड कर। तो वो नेड कर रहा होता है, मुझे लगता है वो नॉक वॉक कर देगा लेकिन वो एक भी बंदा नॉक नहीं कर पाता। और यहाँ पर यार ये दो बंदे ही होते हैं, इन दो बंदों को आराम से निपटा देते हैं। और मिशन के अंदर ज़्यादा बंदे नहीं थे तो इन दो बंदों को मारने के बाद मतलब इन दोनों की लूट वूट लेने के बाद और हम दोनों हील वील करने के बाद हम यहाँ से निकल लेते हैं। और निकलने के बाद हम लोग गाड़ी लेकर आते हैं इस तरफ, और इस तरफ आने के बाद हमें साउंड आ रहा होता है कि भाई सामने की तरफ हो रही है फाइट और यहाँ है बंदे। और हम बिना किसी देर के उतरते हैं पीछे की साइड, हम गाड़ी रोक लेते हैं और तभी यार यहाँ तुम देखना कि यार एक कैंडिडेट साइड की वजह से हमें नॉक क्यों नहीं निकाल पाता। मतलब यार एक कैंडिडेट साइड अपने आप लग जाती है, पता नहीं इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कैंडिडेट साइड पे। तो अब यहाँ पर भाई तुम देखते जाना कि सामने की तरफ मैं एक नॉक निकालता हूँ, मेरे टीममेट ने भी एक बंदा नॉक कर दिया था और हम बिना किसी देर के यहाँ पर रश कर देते हैं। अब यहाँ पर यार 11 किल हो गए थे और यहाँ पर इन सारी स्क्वाड को यहाँ पर जो भी जितनी पूरी स्क्वाड थी उसको वाइप करने के बाद यहाँ पर मेरे 11 किल हो गए थे। अब यहाँ पर 11 किल तो हो गए थे, अब हम लोग आते हैं क्रैप ग्रास की तरफ। यहाँ और रखी होती है फाइट और तुम्हारे भाई के पास होती है M249 और ओम। अब सबसे पहले तो यार फाइट हो रही होती है तो मैं सोचता हूँ कि ओम से थोड़े बहुत नॉक निकालूँ। और सबसे पहले तुम यहाँ देखते जाना कि यहाँ क्या सीन होने वाला है, मतलब देखते जाना, मतलब तुम यहाँ पर है ना। मतलब अब यहाँ पर मैं ओम रहती हूँ और तभी मुझे राइट वाले घर के अंदर बंदा दिखता है और जो कि लूट रहा होता है लेट के, और तब यार इस बंदे को मैं नॉक कर देता हूँ। अब इस बंदे को नॉक करने के बाद इस बंदे को फिनिश भी आराम से डाल देते हैं।
अब किंग, और तभी यार मेरे को भी इसका टीममेट नॉक कर देता है। अब पता नहीं यार कैसे हुआ, मैं नॉक बिल्कुल इतनी तगड़ा स्प्रे दे दिया, मेरी पिंक भी हाई, हाँ पिंक हाई आ रही थी मेरी, इसके वजह से इस बंदे ने मेरे को नॉक दे दिया। मैं यहाँ पर सबसे पहले मेरे 12 किल हो चुके थे, मैं अपने टीममेट को कैसे ना कैसे करके बुलाता हूँ अपने पास और वो मेरे को स्मोक कर देता है और रिवाइव दे देता है। और रिवाइव देने के बाद सबसे पहले तो यार मैं फॉल बैक कर लेता हूँ, क्योंकि यार पीछे की तरफ से भी फायर आ रहा था और भाई यहाँ पर रुकना बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, क्योंकि नेड आ रहा था और हम लोग मर जाते। और तब यार राइट साइड से मुझे स्क्वाड हाउस से एक बंदा नॉक कर देता है AKM से, ये मुझे लगा था, लेकिन यार उस बंदे ने मुझे उस हम पर रश कर दिया था। और तब यार तुम देखते जाना कि यार यहाँ पर मेरा टीममेट कैसे संभालता है यहाँ पर सिचुएशन। अब वो बंदा यार मेरा मतलब जिस बंदे ने मुझे नॉक करा था उसको मेरा टीममेट आराम से नॉक कर देता है। अब इसको नॉक करने के बाद यार मैं यहाँ पर रहता हूँ, मेरा टीममेट कैसे ना कैसे करके मेरे पास आता है, मुझे रिवाइव देता है। अब रिवाइव मिलने के बाद हम लोग आ जाते हैं पीछे की तरफ। अब यहाँ पर हमको बस छोड़ के दो बंदे बच रहे होते हैं और हमें लगा था कि यार सामने की तरफ भी वो दो बंदे होंगे। और तभी यार तुम देखते जाना कि इस कैंप पर ये मुझे कैसे मारेगा। मतलब यार तुम देख सकते हो यार इस कैंपर ने मुझे कैसे नॉक करा और ये मेरे टीममेट को भी खा जाएगा। तो और ये डुओ वर्सेस डुओ की सिचुएशन नहीं थी, ये डुओ वर्सेस सोलो की सिचुएशन ही थी। मतलब डुओ वर्सेस सोलो ये अलग बंदा था, ये पता नहीं कैसे कैंप कर लेते हैं यार ये लोग, पता नहीं डेढ़ की केडी और लास्ट में सारा मैच खत्म कर देते हैं। चलो अगले मैच में तो चौकन्ना रहना ही था, और यहाँ पर इस वाले मैच में मेरे 12 किल थे, मेरे टीममेट के थे 2 किल और डैमेज भी अच्छा खासा था, अच्छा मैच जा रहा था। लेकिन हम #3 मरे तो कोई बात नहीं, चिकन डिनर नहीं चाहिए, कोई बात नहीं भाई। और इसी बात में हमने दूसरा मैच लगा लेते हैं और हम उतरते हैं यार पावर प्लांट। और पावर प्लांट में सबसे पहले तुम यहाँ पर कि इस बंदे की किस्मत कितनी बुरी हो सकती है, मतलब तुम देखते जाना। अब मेरे पास फार्मस मिलती है और लेफ्ट साइड के अंदर एक लेफ्ट साइड में एक बंदा उतरा होता है, और तुम देखते जाओ जिस बंदे को यार हम आराम से मार देते हैं। अब इस बंदे को मारने के बाद यहाँ पर और कोई नहीं आ रखा होता, बिल्कुल बस यही बंदा आ रखा होता है जिसको हम यार आराम से मार देते हैं। अब यहाँ से भाई थोड़ी बहुत लूट वूट लेके हम लोग इस तरफ आते हैं और यहाँ पर एक बॉट मिलता है। इस बॉट को मारने के बाद अब इस वाले मैच के अंदर बॉट बहुत सारे होने वाले हैं और इस वाले मैच के अंदर भी अच्छी एंडिंग नहीं होने वाली। बस मैं तो मैं इसलिए वाला गेम प्ले दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं मतलब गेम प्ले था नहीं निकालने को यार, क्योंकि नहीं निकल पाते गेम प्ले और पता नहीं यार क्या करें, बहुत ज़्यादा तगड़े बंदे आ जाते हैं तो यार नहीं निकल पाता गेम प्ले। तो यहाँ पर एक बॉट और मिल जाता है जिस बॉट को मैं आराम से नॉक कर देता हूँ और फिनिश भी पूरा डाल देता हूँ। अब इस बॉट को नॉक फिनिश वगैरह डालने के बाद हम लोग चलते हैं यार मिडस्टेन की तरफ। अब यहाँ पर भाई रियल बंदों से हमारी मुलाकात होने वाली थी और हो भी जाती है, तभी यार यहाँ पर एक आता है बॉट जिसको मतलब मेरे को फुटस्टेप आता है नीचे से कि भाई एक नीचे से बंदा है, और इसको आराम से हम फिनिश दे देते हैं। और तभी यार हमारी तरफ एक गाड़ी पुश कर देती है। अब तुम यहाँ देखते जाना कि यहाँ पर सबसे पहले तो मैं इस बॉट को फिनिश कर देता हूँ, तब यार यहाँ पर हमारे पे एक गाड़ी पुश करेगी, तो तुम खुद देखते जाना कि क्या सीन होने वाला है। अब इस बॉट को फिनिश करने के बाद यार यहाँ पर एक गाड़ी हम पे पुश करती है, तो हम देखते जाना कि क्या सीन होता है। ये पूरी स्क्वाड रहती है और यहाँ पर हम खड़े रहते हैं, और तब यार एक गाड़ी आ जाती है सामने से, जो कि यार बंदे ने मतलब अच्छा खासा स्प्रे दे दिया था हम लोगों को और अच्छा खासा डैमेज भी दे दिया था। और तब यार हम लोग मतलब हील वील कर रहे होते हैं, और तुम यहाँ पर देखते जाओ, और यहाँ पर मेरा टीममेट की कुर्बानी मुझे मिलने वाली, मतलब मेरा टीममेट यहाँ मर जाएगा, तो तुम खुद देखते जाने कि यहाँ पर कैसे तुम्हारा भाई अकेले क्लच करता है। अब यहाँ पर भाई मैं मर जाता है मेरा टीममेट, और हम सबसे पहले तो यार यहाँ से निकल लेते हैं, और मतलब यहाँ पर तो मैं मरने वाला हूँ, तुम देखते जाना। अब यहाँ से लूट वूट इनकी मैं लेता हूँ और लूट निकलने के बाद और यहाँ पर सबसे पहले तो यार मैं इनकी लूट वूट अच्छी तरीके से लूट लेता हूँ, और लूट करने के बाद तुम यहाँ देखते जाना कि अब यहाँ से मैं निकलता हूँ कैसे ना कैसे करके, मैं यहाँ से जा ही रहा होता हूँ, और तभी यार मैं इस तरफ की तरफ आता हूँ, और तभी यार पीछे से एक बंदा देखना, और यहाँ पर तो मेरे रिफ्लेक्स देखना कि कैसे होता है। और इस बंदे को नॉक देने के बाद आराम से फिनिश भी दे देता हूँ, और यहाँ पर भाई इस बंदे ने एकदम से मुझे डरा दिया बहुत ज़्यादा। अब यहाँ तक मेरे 8 किल हो गए थे और बच रहे थे मेरे को छोड़ के बंदे 5, मतलब टोटल 6 मेरे को मिला के। अब यहाँ सबसे पहले तो मैं हील लगाता हूँ, और हील लगाने के बाद तुम यहाँ देखते जाना मतलब क्या सीन होता है। अब यहाँ पर मैं आता हूँ, और तभी यार मेरे पे मेडिसिन से फायर आता है, और मेडिसिन से फायर आता है तो मैं यार यहाँ पर छोटी सी रिज के कवर में आ जाता हूँ, लेट जाता हूँ, और तभी यार मेरे को डर लग रहा होता है कि यार मैं बिल्कुल ओपन में हूँ, तो मेरे को यहाँ से चले जाना चाहिए, और मेरा डर मेरा बिल्कुल सही हो जाता है। और यहाँ पर मुझे लेफ्ट साइड से पड़ भी जाती है DP, और तुम यहाँ देखते जाना। तो चलो यार आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। इस वाली चिकन डिनर तो दोनों मैच में नहीं निकला, चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।